नमस्कार साथियों, आज इतवार की छुट्टी की शुरुआत इस खबर से मैंने की कि सभी न्यूज़ चैनल्स पे केंद्र सरकार द्वारा एक खबर भेजी गई कि मनीष सिसोदिया जी देश के सबसे प्रसिद्ध, देश के सबसे चाहे जाने वाले, देश के सबसे पसंद किए जाने वाले शिक्षा मंत्री के खिलाफ लुकआउट नोटिस केंद्र सरकार ने जारी किया है। मैंने गूगल पे सर्च किया, तुरंत एक सम्मानित अखबार का लेख था, व्हाट इज लुकआउट नोटिस, और लिखा कि जो अपराधी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को मिल नहीं रहे होते, भाग गए होते हैं, एब्सकॉन्डिंग होते हैं, उन अपराधियों को ढूंढने के लिए, उनका पता लगाने के लिए देश की सबसे बड़ी एजेंसीज लुकआउट नोटिस निकालती हैं कि कहीं किसी एयरपोर्ट से भाग ना गए हों, कहीं बॉर्डर को क्रॉस ना कर गए हों, ये लुकआउट नोटिस होता है। और इसकी शुरुआत जो है, आज के दिन की शुरुआत, हमारे देश की सरकार ने मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ लुकआउट नोटिस निकालकर उसकी खबर को सभी अखबारों को, टीवी चैनल्स को दे के जो है आज की शुरुआत की। बड़ी गंभीर बात है, वो मनीष सिसोदिया जो परसों जन्माष्टमी पे, शुक्रवार का दिन था, आप और मैं कई बार उस दिन मिले, 14 घंटे सुबह 7 बजे से लेकर रात तक, जब तक सीबीआई उनके घर में थी, उन सीबीआई अफसरों के साथ बैठे हुए थे अपने घर में, AB 17 मथुरा रोड। आप सब लोग बाहर खड़े हुए थे कैमरा लेके, मनीष जी अंदर मौजूद थे। सीबीआई निकली, मनीष जी ने सब टीवी चैनल्स को बाइट दी, रात को 11 बजे की बात होगी परसों की। कल मनीष जी ने अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 12 बजे, और उसके बाद भी लगातार अपनी बाइट्स दे रहे हैं। आज सुबह से अपने घर पे जानबूझ के हमने कहा, मनीष जी आपको काम नहीं करने दिए गए, मगर फिर भी 2-1 घंटे निकाल लीजिए, एक एक चैनल को घर पे बुला के बाइट दे दीजिए, और घर से दीजिए, AB 17 मथुरा रोड से दीजिए, ताकि प्रधानमंत्री जी को भरोसा हो जाए मनीष सिसोदिया भागने वाली चीज नहीं है, मनीष सिसोदिया डट के मुकाबला करने वाला आदमी है। आप जहां बुलाओगे प्रधानमंत्री जी, मनीष सिसोदिया आने के लिए तैयार है। आप बताइए कहां मिलना चाहते हैं, और अगर आप आना चाहते हैं तो आइए, आपका स्वागत है। AB 17 में मनीष जी हैं। समस्या क्या है? समस्या यह है केंद्र सरकार की, 31 जगह सीबीआई के छापे डाले गए, 14 घंटे तक देश के अंदर 31 ठिकानों के अंदर ढूंढ मची, 900 सीबीआई के अफसर लगाए गए, मिला कुछ नहीं। यह समस्या है मोदी जी की। कोई पैसा मिला हो, कोई कैश मिला हो, कहीं सोना चांदी मिला हो, कहीं पे बेनामी संपत्तियों के कागज मिले हो, कुछ भी तो नहीं मिला, वरना सीबीआई खुद प्रेस वार्ता करके बताती है ये हमें मिला है। अब वो मिला नहीं तो अब इस लेवल पे आ गए कि साहब मनीष सिसोदिया भाग गए, देश छोड़ के भाग गए मनीष जी, और सीबीआई ने लुकआउट नोटिस दिया है, अब एयरपोर्ट पे पुलिस तलाशी कर रही है मनीष सिसोदिया कहां पे है। ये तो बहुत छोटी बात है, तो बहुत तुच्छ चीज है, इसको तो अगर नौटंकी भी कहा जाए तो ये नौटंकी भी नहीं है, तो नौटंकी से भी बहुत नीचे है। और आप सोचिए, इन मनीष सिसोदिया का नाम तो देश विदेश सब जगह है, लोग इन्हें हर जगह जानते हैं, विदेशों की सरकारें हंस रही होंगी हमारी भारत सरकार के ऊपर, वो भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय पे हंस रहे होंगे, और कह रहे होंगे कैसा देश है जहां पे बेरोजगारी अपने चरम पर है,
जहां पे महंगाई संभल नहीं रही, जहां पे देश की अर्थव्यवस्था नीचे भाग रही है, जहां पे देश का गरीब आदमी रो रहा है, उस देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? उस देश के प्रधानमंत्रियों को राज्य सरकारों के साथ मिलके मीटिंग करनी चाहिए कि भाई देश को पटरी पर कैसे लाया जाए, बेरोजगारों को रोजगार कैसे दिया जाए, महंगाई को कम कैसे किया जाए। और प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? हर राज्य सरकार से लड़ रहे हैं। आप सोचिए विदेशों के अंदर क्या खबरें जा रही है इस भारत की, कि भारत की अपनी समस्याएं कम नहीं है। और प्रधानमंत्री ये है हर एक राज्य से लड़ाई लड़ रहे हैं कि आज इसको ठोकूंगा, कल इसको ठोकूंगा, कल तेरे को ठोकूंगा, कल इसको ठोकूंगा, आज तुझे जेल में डालूंगा, कल तुझे जेल में डालूंगा, अब तुझे जेल में डालूंगा, अच्छा तू ज्यादा बोल रहा है तेरे को भी जेल में डालूंगा। ये क्या संस्कृति है प्रधानमंत्री जी? मैं एक हफ्ते से देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कोई एमएलए है, कोई एक्स काउंसलर है, कोई मंत्री है, वो आके सीबीआई के ऐसे सर्टिफिकेट दे रहा है, साहब सीबीआई ने केस दर्ज किया है, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है, ये दुनिया के सबसे भ्रष्टाचारी लोग हैं। आज सीबीआई जो है, जैसे भगवान हरिश्चंद्र थे, राजा हरिश्चंद्र थे, आज सीबीआई राजा हरिश्चंद्र बन गई है। मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं आपको और आपके माध्यम से उन भाजपा के सभी मित्रों को वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो को देखिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब विपक्ष में थे तो सीबीआई के बारे में क्या कहा करते थे, और ये सारे मेरे भाजपा के मित्र जब विपक्ष में थे तो सीबीआई के बारे में क्या कहा करते थे। एक बार चलाइए, लाइट ऑफ कर दीजिए। सीबीआई का दुरुपयोग, निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए सीबीआई का अनाप शनाप कारनामे जो चलाए जा रहे हैं, तो कभी ना कभी तो आपको हिंदुस्तान की जनता को जवाब देना पड़ेगा। और अपने राजनीतिक आंकड़ों को खुश करने के लिए सीबीआई के जो लोग उनके हथियार बन गए हैं और गुजरात सरकार के हमारे अफसरों को परेशान करने में लगे हैं, हमारे मंत्रियों को जेल में डालने के षड्यंत्र कर रहे हैं, उन सबको मैं चेतावनी देता हूं कि लोकतंत्र की मर्यादाओं में आप उचित कार्यवाही नहीं कर रहे। सत्य को सत्य के रूप में लोगों के सामने लाना चाहिए, झूठ फैला करके गुजरात को तबाह करने के कारनामे बंद होने चाहिए। और अब देश को सीबीआई पर कोई भरोसा नहीं रहा। सीबीआई राजनीतिक कामों पर जुटी हुई है। अब देखिए, ये उस समय का वीडियो है जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, देश में यूपीए की सरकार थी, और प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि सीबीआई का राजनीतिक प्रयोग बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सीबीआई का इस्तेमाल गुजरात के मंत्रियों को जेल में डालने के लिए किया जा रहा है, और सीबीआई को चेतावनी दे रहे हैं, सीबीआई के अफसरों को चेतावनी दे रहे हैं कि देश आपको सबक सिखाएगा। आज मैं प्रधानमंत्री जी से जानना चाहता हूं, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए प्रधानमंत्री जी, और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं और प्रवक्ताओं से जानना चाहता हूं जो शाम को 5 बजे सीबीआई के वकील बन जाते हैं, जो सुबह से शाम तक प्रेस वार्ता के अंदर सीबीआई की वकालत करते हुए सीबीआई के कसीदे पढ़ते हैं कि 5-7 साल पहले सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा था, केंद्र सरकार सीबीआई में गुजरात के मंत्रियों को जेल में डाल रही थी, लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी,
और आज सीबीआई ईमानदार हो गई, आज सीबीआई स्वतंत्र हो गई। आज सीबीआई क्या कर रही है, आज ईडी क्या कर रही है, आज दिल्ली के मंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है। और दोस्तों ये रिकॉर्ड पर है ये बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डिबेट में बैठ के मुझे धमकी देते हैं, अभी पता चलेगा जेल में जाओगे। दो दिन पहले आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनकी बहस गौरव भाटिया से हो गई और उनको बोला अभी पता चलेगा, ईडी का छापा पड़ेगा तो समझ में आएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज टीवी चैनल पर बैठ के धमकियां देते हैं कि सीबीआई से पता लगाएंगे तुम्हें, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। ये तो साफ है कि आज भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को चला रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक प्रवक्ता को पता है कि क्या स्क्रिप्ट मोदी जी ने लिखी है और उस पटकथा के ऊपर सीबीआई ईडी आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है और खुली धमकी भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी प्रेस वार्ता में देते हैं, रोज टीवी डिबेट्स में देते हैं। इससे ज्यादा घटियापना हमने इससे पहले नहीं देखा। कांग्रेस का यूपीए का समय भी देखा था मगर इतनी हिम्मत नहीं थी किसी के मंत्री की कांग्रेस के समय में कि वो ये कह दे कि कल तुम्हें जेल में भेजेंगे और परसों तुम्हें जेल में भेजेंगे। आज तो भारतीय जनता पार्टी ने ये समय ला दिया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया हमें देख रही है नरेंद्र मोदी जी, पूरा जो संसार है वो ये देख रहा है कि जहां प्रधानमंत्री को महंगाई बेरोजगारी से लड़ना चाहिए था, आज प्रधानमंत्री अपने हर राज्य की सरकार से लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप पत्रकार हैं, आपको तो आज पता चला है कि ईडी को डॉक्यूमेंट्स भेजें। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो 3 हफ्ते से बोल रहे हैं कि सीबीआई भी आएगी, ईडी भी आएगी, मनीष सिसोदिया जेल में जाएंगे। ये तो काफी दिनों से बोल रहे हैं और हम उसके लिए तैयार हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम लोग अपनी जुबान बंद नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी आपको जो करना है कर लीजिए।